नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले कई घंटों से लगातार विधायक दल की चल रही उत्तराखंड में जो बैठक थी उसका नतीजा आ गया है। अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। पुष्कर सिंह धामी आरएसएस के कद्दावर नेता माने जाते हैं और एक हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के रूप में उनकी छवि है और आरएसएस से जो इनके गहरे संबंध हैं, पुराना रिश्ता है। इस बात से ये साबित होता है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की जो उनकी अप्रोच है उसको बरकरार रखने में पुष्कर सिंह धामी एक मील का पत्थर साबित होंगे। दोस्तों सबसे पहले कमेंट में लिखें देवभूमि उत्तराखंड की जय, क्योंकि दोस्तों ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का, विशेषकर तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कुछ बहुत सुनहरा नहीं दिख रहा था, परंतु अब पुष्कर सिंह धामी के आ जाने के बाद से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश की एक नई लहर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ तीरथ सिंह रावत का वो जब स्थान लेंगे तो उसके बाद से जिस तरीके से जिम्मेदारियां हिंदू धर्म के प्रति उस राज्य के अंदर बनती हैं, क्योंकि ये पूरा राज्य ही एक धार्मिक राज्य है, देवभूमि इसको कहा जाता है, वो ऊधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से लगातार दो बार पहले विधायक चुने गए हैं। वो उत्तराखंड में अब तक के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब एक युवा चेहरे को पूरे उत्तराखंड जैसे एक धार्मिक राज्य की जिम्मेदारी देने जा रही है। तो एक बड़ा निर्णय है भारतीय जनता पार्टी का। मैं समझता हूँ हमारे तमाम दर्शक इस कदम का स्वागत करेंगे और पुष्कर सिंह धामी जी को मुबारकबाद अपने कॉमेंट के थ्रू जरूर देंगे। और शनिवार दोपहर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हुई जो देहरादून में विधायक दल की बैठक हुई उसमें पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई है। धामी के नाम पर रखे गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में विधायक दल की बैठक के लिए विधायक और पार्टी नेता दोपहर 12 बजे से ही जुटना शुरू हो गए थे। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी प्रदेश कार्यालय में दिख रहा था। नए मुख्यमंत्री को लेकर समर्थक से लेकर तमाम जो नेता थे वो उनके नाम के कयास लगा रहे थे। लगभग 2:45 बजे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री NS तोमर, राष्ट्रीय महासचिव D पुरंदेश्वरी के साथ साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे देहरादून में। इस दौरान विधायकों व सांसदों का भाजपा मुख्यालय पहुंचने का जो सिलसिला है लगातार जारी रहा। मुख्यालय के भीतर केवल विधायकों और पदाधिकारियों को ही प्रवेश दिया जा रहा था। अब कुल मिलाकर ये निर्णय लिया गया है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। उनको हॉकफीड न्यूज़ की तरफ से पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं। वहीं आपको एक और बात बता देते हैं कि सांसद अजय भट्ट ने 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की सुरक्षा और बेहतरी से समझौता नहीं करती है, पहले राष्ट्र और फिर पार्टी और अंत में ही हमारा आदर्श, यही हमारा आदर्श वाक्य है। हम कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतेंगे, मतगणना के दौरान कांग्रेस को करारा जवाब मिलेगा 2022 के इलेक्शंस में। और प्रदेश को 11वां मुख्यमंत्री इस समय मिलने जा रहा है। एक आपको बता दें, आप में से शायद कुछ युवा दर्शकों को नहीं मालूम होगा, एक समय पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, लेकिन बाद में उत्तराखंड में इस विषय को लेकर एक क्रांति हुई और उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया उत्तराचल, बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए राजनीतिक गलियारों में विधायकों के बीच में से संभावित जो 4 नाम चर्चा में थे उनमें से त्रिवेंद्र और फिर तीरथ, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अलावा कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चुफाल, विधायक पुष्कर सिंह धामी और ऋतु खंडूरी भूषण के नाम जो ये मुख्य नाम थे। लेकिन कुल मिलाकर फैसला यही हुआ कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग चुकी है और अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड को एक सुनहरे भविष्य के लिए हमारी तरफ से हॉकफीड न्यूज की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।